सोनीपत में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। हुड्डा ने कहा कि SYL को लेकर पंजाब के साथ बातचीत का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अब तो सरकार को यह फैसला लागू करना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता से जनसंपर्क अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसी सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां राठधाड़ा गांव में दादा भैया पर आयोजित मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने दादा भैया की समाधि पर मत्था टेका और इसके बाद पौधारोपण भी किया। हुड्डा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि SYL को लेकर जो बातचीत का प्रयास चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही उसका कोई मतलब बनता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला हरियाणा के हक में दे चुका है। अब प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार का दायित्व तो बनता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग है, इसका नतीजा भी लोकसभा चुनाव से अलग होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि संभव है कि इसी सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में फैसला हो जाएगा, इसके बाद आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। आइए बात करते हैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। पूरी तैयारी है, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पाँचों साल जो है कभी किसान पंचायत, दलित पंचायत, व्यापारी पंचायतें सब की हैं। लोकसभा के अलग मामला था, विधानसभा में जो इस राज्य सरकार है इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे लोग, इसकी विफलताएं हैं। ये बिल्कुल विफल सरकार है, हर वर्ग आज सरकार से विमुख है, क्योंकि 2014 में जो वायदा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उसको लेकर जल्दी होने वाला है फैसला। कब तक बनने की संभावना है हुड्डा साहब? जैसे कल मुख्यमंत्री ने अगड़ा पार करेंगे, क्या लगता है आगे बढ़ पाएंगे? सर पेड़ लगाना सवाल ही पैदा नहीं, बातचीत का जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा।